मैं फरहान आईएमबी से, और मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार में जो बच्चों की बीमारी से मौत हो रही है। अभी तक की जो अनऑफिशियल संख्या है वो 200 टच कर रही है। एक पेपर के हिसाब से 158 आ चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत गांव में हो जा रही है और वो हॉस्पिटल में आते नहीं हैं, तो उनका नंबर ऐड नहीं होता है। तो जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो 200 है, बहुत ज़्यादा है। अब बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके ऊपर मिनिस्ट्री और सीएम कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, इसके लिए थोड़ी सी रोशनी जानने के लिए एक सोशल वर्कर हैं जो काफ़ी लोगों का मदद करते हैं और काम करते हैं। वो रहते हैं एक बेतिया शहर है, मुजफ्फरपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पे। तो उनसे फ़ोन लाइन पे संपर्क करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट क्या है। रजनीश साहब, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज़ मिल रही है। अच्छा, तो हमने आपको कॉल इस संदर्भ में किया कि बिहार में बच्चों की जान जा रही, अभी तक जो संख्या आ रही है ऑफिशियल 126 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं, और बहुत सारा ऐसा भी नंबर है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बार बार हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, आज तो ये आंकड़ा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अनुसार 158 तक पहुंच गया है। और दूसरा सबसे बड़ा हम लोगों का कारण ये है कि R&D प्रोग्राम हमारे देश में कुछ है ही नहीं। आज भी हम हर छोटे बड़े इलाज के लिए यूरोप और अमेरिका के इलाज के तरीकों को ही अपनाते रहे। हमारा अपना जो भी था, आयुर्वेद था, यूनानी पद्धति था, ये सारे चीज को हम लोग इसलिए छोड़ते चले गए कि ये आउटडेटेड समझे गए, और इस पर हम लोग अविश्वसनीयता हमेशा दिखाते रहे। न इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ पाए, अगर इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ते तो हो सकता था समाधान इससे भी ढूंढा जा सकता था इसका। लेकिन आज भी हम ऐसे ही एंटीबायोटिक पर आश्रित हैं जो विदेशों में विदेश के जीवाणु के लिए प्रतिरोधक क्षमता का बनाने का प्रयास करते हैं। और ये क्या बुखार है जिसको नाम हम चमकी बुखार कह रहे हैं, कभी इंसेफ्लाइटिस से जोड़ रहे हैं, कभी लीची से जोड़ रहे हैं, आज तक कोई भी डॉक्टर कॉन्क्रीट ढंग से ये बताने का प्रयास नहीं किया ये रोग हो कैसे रहा है। समाधान तो बाद की बात है, पहले ये रोग कहाँ से हो रहा है ये हर साल होता है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ये महामारी का रूप हर बार जब लीची का सीजन आता है तब ये पनपता है, क्योंकि 2014 में भी ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही होता है, और आज तक 14 से लेकर 19 तक हमारे पास बहुत पर्याप्त समय था कि हम इसको सफलतापूर्वक इसका उपचार ढूंढ सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा R&D प्रोग्राम कोलैप्स्ड है, हमारे देश में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसका समाधान नहीं ढूंढते। हम लोग सोचते हैं कि हुआ और उसको फटाफट निपटा लिया जाए, फिर आगे हम लोग दूसरा देखा जाए। तो यही है, आप यही आप इसको किसको ब्लेम करते हैं इसके लिए? ब्लेम तो इच्छा शक्ति राजनीतिज्ञों का है, दूसरा किसका है? राजनीति जो वो राजनीतिक हस्तियां वहां से जुड़ी हुई है उनमें सही सुनता है नहीं। बच्चे मर रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं और इसके लिए 5 साल में कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए। किस आप सोचिए कि किसका किसको ब्लेम देंगे? डॉक्टर को नहीं देंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोगों का जो सत्ता के उत्कृष्ट सिंहासन पर बैठे हैं वे जिम्मेवार हैं। बड़ा शर्म आती है बोलते हुए कि बात ये कि एक एक बेड पे चार चार बच्चे पड़े हुए हैं, ठीक है, और ना ही एक सिरिंज भी है जिसे एक ही सिरिंज को दो दो तीन तीन बच्चों को यूज किया जा रहा है। अजीब व्यवस्था है, अजीब, समझ में नहीं आता सरकार को क्या हो गया है, कुछ एक्शन नहीं लेती है। नीतीश कुमार जैसे हम लोग रिपोर्ट देख रहे थे कि भाई इनको 3-4 दिन तो टाइम भी नहीं लगा कि आपातकाल में जाके वहाँ मिले और देखे क्या कर सकते हैं। क्या इनको फंड की कमी है, क्या है? और इसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद होता है दूसरा नंबर गोरखपुर का,
हाँ गोरखपुर का, और वहाँ भी ऐसे ही अफरा तफरी मचता है और हजार सौ सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, और उस समय पता लगता है कि गैस का सिलेंडर भी नहीं है वहाँ उपलब्ध। तो आपको क्या लगता है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, मिल के आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नेता दिन पे दिन आप देखें इनकी तो एक सोच बदलती जा रही है, सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप, क्योंकि आप काफी जनता लोगों से जुड़े हैं और काफी लोगों का हेल्प करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है क्या समाधान निकालना चाहिए? देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि हम लोग सामूहिक संघर्ष नहीं कर पाते हैं। सामूहिक संघर्ष इसलिए नहीं कर पाते हैं कि इसमें एक आदमी को जब क्षति होता है तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि चलो सहानुभूति रखते हैं कि वो आदमी ठीक हो जाए, उसका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन ये हम नहीं सोचते हैं कि कल होके हमारे बच्चे इससे ग्रसित हो सकते हैं, इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। लोग में वैसी जागरूकता की कमी है जिसका लाभ राजनीतिज्ञों को मिलता है। लेकिन मैं एक बात जो आपने बोला ना कि लेकिन ये जो कारण है ये सिर्फ गरीबों को होता है, रजनीश साहब ऐसा है कि किसी के घर में 50,000 और 1,00,000 रुपया अगर रहता है उसके बच्चों को कभी आप देखें ऐसा मरते हुए? नहीं नहीं, इसका कारण इसका सफाई सफाई से लेना देना है। तो आप गांव में पानी नहीं दीजिएगा प्रॉपर वे में तो लोग स्वच्छता की कमी है और स्वच्छता के प्रति केवल इसमें हम सरकार को ही नहीं जिम्मेवार कर रहेंगे, ये आदमी का एक नागरिक सोच होना चाहिए कि सफाई और ही सबसे बड़ा समाधान है और ये सफाई की कमी बहुत बड़ा कारण है। नहीं तो बात ये गांव में जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ठीक है ना, उनको ये एजुकेशन कौन देगा? फंड तो आता है पास हो जाता है। ऑब्वियसली सरकार इसकी पहल करेगी और जनता को भी इसमें आगे आना होगा, जनता को भी जागरूक होना होगा। आंदोलन करने से हमारा अपना मानना है कि आंदोलन ही केवल समाधान नहीं है, प्रिवेंटिव इज ऑल्सो बेटर देन क्योर। तो आज हम लोग कभी भी अगर स्वच्छता को अपनाते हैं और इस तरह के अगर चमकी बुखार है या लीची से होने वाला है या किस तरह हो रहा है तो ये प्रशासनिक असफलता है, इसको तो आप कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। जो भी सत्ता के उच्च पर स्थान पर बैठे हुए हैं उनको इसके विषय में गंभीरता से सोचना होगा। अच्छा आपके क्षेत्र के जो एमपी हैं ठीक है जी, अब उनका नाम संजय जायसवाल है, खैर उनका क्षेत्र तो मुजफ्फरपुर नहीं है, लेकिन कभी आप लोगों ने उनको भी इस पे रोशनी डालने की कोशिश की? क्योंकि आप पावर में हैं तो आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस पे तो हम लोग कहीं नहीं देख रहे हैं कि संजय जायसवाल कुछ अपना आवाज़ उठा रहे हैं। चूंकि ये क्षेत्र करीब 200 किलोमीटर का 100 आपके जगह से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुजफ्फरपुर। जी जी 130 किलोमीटर है और हमको लगता है जब वहाँ के लोग राजनीतिज्ञ इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है बाकी लोग तमाशबीन होकर वो हम लोग के साथ ही इस चीज को देख रहे होंगे, हमसे उनकी इस संदर्भ में कोई बात नहीं। तो प्रॉब्लम यही है ना कि रजनी साहब कि हम सब जैसे हम मीडिया वाले भी जब ऐसी मुसीबत आते हैं चंद लोगों से बात कर लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिए, कुछ लोग आते हैं टिप्पणी कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये गरीब बेचारे मारे जाते हैं। बिल्कुल और यही दशा हो गई है, इसका सोल्यूशन कुछ तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो यही होगा। अभी आपसे एक और चीज पूछता हूँ, देखिए पार्लियामेंट में अभी 3-4 रोज पहले आपने देखा होगा टीवी पे कोई जय श्री राम भारत माता की जय कर रहा है और कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है, तो ये देश किस डायरेक्शन में जा रहा है और इस हमारे देश का भविष्य क्या है, आप क्या सोचते हैं क्या होगा? देखिए हमारा देश पहले से जब से आजाद हुआ तब से हम इसे संविधान निर्माताओं ने इसे धर्म निरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया, संविधान निर्माताओं ने गलती की सही की इससे उलझने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन ये तय है कि जिस भी देश में धर्म का ताना बाना जोड़ तोड़ से उठकर विकास के लिए काम किया वही आज सफल है। साक्षरता भी सबसे बड़ा इसमें कारण हो सकता है। साक्षरता का आंकड़ा हम लोग जो भी तय कर लें, कागज में जो दिखला लें, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम लोगों का देश बहुत हद तक निरक्षर ही है अभी भी, क्योंकि आज भी राजनीतिज्ञों में जो भी भड़काऊ भाषण इस प्रकार के दिए जाते हैं और लोग विचलित हो जाते हैं, इसका लाभ किसे मिलता है? राजनीतिज्ञों को मिलता है। करेक्ट है जी। और ये जानबूझकर ऐसे नारे लगाए जाते हैं क्योंकि जनता उनको देखे और उनका टीआरपी बढ़े, और इस टीआरपी को बढ़ाने के लिए ही तो ये अल्लाहु अकबर या जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। आप विकास के लिए चुने गए हैं, विकास की बातें कीजिए तो समझ में आता है। ये भड़काऊ भाषण इस हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए ही इस्तेमाल होती है, ये तो सब जानते हैं। देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम करणांग बदनांग घोरांग मुक्त केशी चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुंडुमाला विभूषितांग शरणागत दीनार्थ परिस्थान परायणे सर्वसाथी हरे देवी नारायणी नमस्ते। जय हिंद, जय बांग्ला। जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है इस संदर्भ में, लेकिन जो भी राष्ट्र नहीं आप कहाँ रजनीश साहब कहाँ जागरूक हो रही है? आप देखिए जितने लोग अल्लाह अकबर कहा और जितने लोग जय श्री राम भारत माता की जय बोले, इस बार तो सारे लोग जीत गए। तो जनता भी क्या मूर्ख है, क्या है समझ में नहीं आता है। आज देखिए बिहार में लोग मरे ना, जनता को देखिए, जब तक जनता इन बातों से मूर्ख बनती रहेगी तब तक ये बनाते रहेंगे, और इसका इस्तेमाल हमेशा राजनीतिज्ञ अपने लाभ के लिए ही करते हैं, लाभ के लिए करते हैं। साफ बात है, चुनाव से जीतना और 5 साल लगातार इसी विषय पर चर्चित रहना उनका कार्यक्रम है, और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर वो 5 साल के बाद इसी विश्वास के साथ आ जाएंगे कि मैंने 4 साल आपके लिए यही भड़काऊ भाषण दिया है। अब ये जो अब आपने जो कहा कि तकरीबन 158 बच्चे मरे हैं, ठीक है ना, अब इन नेताओं को बोलना चाहिए जाओ भाई देखो उसमें मुसलमान कितने थे, सिख कितने थे, हिंदू कितने थे, जाओ देखो। इनको जाके देखना चाहिए और देख के एक रिपोर्ट काट दो। भाई जब आप सफाई और सुविधा नहीं देंगे तो उसका असर मुसलमान के भी बच्चों को पड़ेगा और जो भी इंसान का बच्चा है सबको पड़ेगा। हाँ, आप जब फैसिलिटी देंगे तो सबको मिलेगा। तो बात यह है कि ये राजनीति के गेम को जनता को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रजनी साहब मैं सोचता हूँ आप लोग के जैसे लोगों को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, और हमारे जैसे लोग भी जो मीडिया में हैं आप लोगों से संपर्क के जहाँ तक हो सकते हैं ऐसी बातों को समझाने की कोशिश करना पड़ेगा कि देखो नेतागण जो हैं हमको बांट के सुविधाओं को नहीं देते हैं और गलत मुद्दाओं पे हमको भड़का देते हैं। बिल्कुल। ये तो मेरी आपसे गुजारिश है क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव हैं, इस चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ कि ऐसी घटनाएँ फिर ना हों। जी जी बिल्कुल।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो हमने अभी सुना कि रजनीश राय ने क्या कहा बिहार के बारे में, उसी तरह से नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, उनका कहना क्या है बीमारी के निपटने के बारे में, मतलब बीमारी को भगाने के लिए, बीमारी के निपटने के लिए जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसकी कमी के वजह से, इस अवेयरनेस की कमी के वजह से ऐसे परिणाम हो रहे हैं, ऐसा रिजल्ट आ रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। सीएम साहब, ये जागरूकता अवेयरनेस कौन फैलाएगा? आप पावर में हैं, ये आपकी ड्यूटी है। शायद ऐसा टिप्पणी करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। जैसे रजनीश राय ने टिप्पणी जानी, अच्छे लोग भी हैं। अब मैं आपसे आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा और थोड़े आर्टिकल दिखाता हूं। डॉक्टर कफील जो कि यूपी के डॉक्टर हैं, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था गैस के सिलेंडर का जो वाकया हुआ था, ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो गई थी उसके अवज में जो उनको सस्पेंड किया था, वो मुजफ्फरपुर 3-4 दिन से पहले पहुँच गए हैं। और जो कल तक का रिपोर्ट था, 400 बच्चों को उन्होंने लोगों ने देखा है अभी तक, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन सुविधा कम होने की वजह से बहुत परेशानियां हो रही हैं, गर्मी बहुत है। अभी भी कैसे वो लोग एक बेड पे 2-3 बच्चों को रख के इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब आगे आएंगे और हम सारे लोग मिलकर सोच के वोट देंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसी घटना 2014 में भी हुई थी। उस वक्त जो संख्या था ऑफिशियली 140 का था। तो जहाँ की इस चीज़ को घटना चाहिए, 2019 में वही आंकड़ा कहीं जाके 200 पर रुक रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप लोग गरीबों के परिवार के बारे में कुछ नहीं करते हैं। जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है, एम्स नए नए खुलेंगे वहाँ हो रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये गाँव के बच्चों का क्या होगा। ये एक साल की बात नहीं है, ये जब नंबर 100 से ऊपर हो जाता है, मीडिया में आ जाता है, लोग बात करने लगते हैं, तभी हम तक पहुंचती है। नहीं तो हर साल ऐसे छोटे मोटे घटनाएं छोटे छोटे गांव में हो रही है। कि सोचने की ये बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये गलती आपकी और हमारी है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो हम बट जाते हैं। किस चीज़ में बटते हैं? आपने अभी सुना होगा पार्लियामेंट में क्या हुआ, जय श्री राम और वंदे मातरम, अल्लाह हू अकबर, इसमें हम जब बट के वोटों को बांटने लगते हैं, इसी का फ़ायदा ये नेता उठाते हैं। तो हमको और आपको करना ये है कि इसको अलग रखिए, इसको एक जो हथियार बना के खेल रहे हैं हमारे बीच में नफ़रत डाल के, इसको दूर कीजिए और सोचिए कौन आपको ऐसी सुविधाएं दे सकता है, उन्हीं को वोट दीजिए। वैसे लोगों को जब तक आप नहीं जिताएंगे, ये नहीं सॉल्व होने वाला। जब तक आप ऐसे लोगों को नहीं जिताएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। इनकी राजनीति ऐसे ही है, हमको और आपको लड़ाते हैं और अपनी गद्दी पे राज करते हैं। तो सोचिए, इसका संविधान सिर्फ एकता है और कुछ भी नहीं। Mm-hmm.